नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महत्तम की 24वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे सत्यवान सावित्री कथा वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्र राज अश्वपति और नारद जी ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते। राजा अश्वपति बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है, सो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को बरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा तब वह कन्या देव भाग्य वचन का अवलंबन करके बोली। सावित्री बोली कि सालव देश में धर्मात्मा दिमसेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ, वह राजा देववश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा दिमसेन के राज्य में छिद्र मिलने पर पूर्व के वैरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह दिमसेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया और वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पुर में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ, वहाँ वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने बरा है। नारद जी ने कहा कि उसने महान पाप किया है, उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में बर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है, वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र ही बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्राशु भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान सूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है तथा वह राजपुत्र दाता ब्राह्मण वीरवान रसवान उदार और प्रिय दर्शन है। वह दानवीर में इस समय अपनी शक्ति राजा रंतिदेव के समान, उसीनर पुत्र शिवी के समान ब्रह्ममय और सत्यवादी है। वह दांत तप कलेश का सहनशील मृदु सुकुमार सूर सिद्ध जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं, यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई नहीं है। वह दोष है कि वह क्षीणायु सत्यवान आज से एक वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को बढ़ने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुण को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है और वह बालक एक वर्ष में देह त्याग देगा, ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तब कन्या एक बार ही बढ़ती है, यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को बर लिया, अब दूसरा पति नहीं बरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है, वचन से कहा जाता है उसके बाद ही कर्म किया जाता है, उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप करिए। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं आ जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो,
ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर राजा अशुपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 24वां अध्याय संपूर्ण। बोलो ज्येष्ठ मास महत्तम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।